इस मूवी का स्टार्ट एक शॉप को दिखाते हुए होता है जहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे के साथ देखते हैं। अब क्योंकि रात हो रही थी इसीलिए वो औरत अपनी शॉप बंद कर रही होती है। तभी उस शॉप के बाहर हम एक बैगर को देखते हैं जो कि खाना ढूंढ रहा था। सफाई करते हुए साबुन का पानी उस औरत से उस बैगर पर गिर जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। फिर हम उस आदमी को एक सबवे पर जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर उसके अलावा और भी लोग थे जो कि वहीं पर ही सोते थे। वो उस बैगर को आगे भगा देते हैं इसीलिए वो सोने के लिए आगे चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था और वो वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर्स लड़कियाँ आ जाती हैं और उस आदमी को मारकर खाने लगती हैं। असल में ये दोनों मॉन्स्टर्स लड़कियाँ बहनें थीं। अब उस आदमी को मारकर खाने के बाद वो दोनों मॉन्स्टर्स बहनें एक अंधेरे वाली जगह पर चली जाती हैं जहाँ पर जाने के बाद वो दोनों अपने अपने डिब्बों में जाकर सो जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्लास रूम में लिन नाम की बच्ची पर क्लास के सभी बच्चे कागज फेंक रहे थे। लिन के साथ वहाँ पर उसकी क्लास टीचर भी खड़ी होती है। असल में लिन को क्लास के अंदर बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। सब बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और लिन के ऊपर स्कूल फीस चोरी करने का इल्जाम भी था। लेकिन लिन अपने टीचर से कहता है कि मैंने उन पैसों को नहीं चुराया, लेकिन टीचर समेत कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसी बीच हम क्लास के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाओ होता है। वो कहता है कि लिन ने पैसे चुराकर अपने जूतों में छुपाए होंगे, इसीलिए सारी क्लास लिन को उसके शूज उतारने के लिए कहती है। यहाँ पर लिन के टीचर भी उससे कहती है कि अगर तुम बेकसूर हो तो ये तुम्हारे पास खुद को प्रूफ करने का आखिरी मौका है, इसीलिए जल्दी से अपने शूज उतारो। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लास के बाहर खड़ी होकर एक लड़की ये सब कुछ देख रही थी। फिर लिन अपने शूज निकाल देता है लेकिन उसके शूज में कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर पूरी क्लास उसका मजाक बनाती है और उस पर हंसने लगती है। अब लिन को और ज्यादा परेशान और बुली करने के लिए रेनाओ कहता है कि पैसे इसकी पैंट में होंगे, इसीलिए पूरी क्लास लिन को उसकी पैंट उतारने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन वॉशरूम जाता है जहाँ पर वही लड़की आती है जो कि क्लास रूम के बाहर खड़ी हुई थी। वो लिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो पैसे तुमने नहीं चुराए और पूरी क्लास तुम्हें बिना वजह परेशान कर रही है। अब क्योंकि लिन उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में था इसीलिए उस लड़की को चुपचाप वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम रेनाओ को उसके फ्रेंड्स के साथ एक रूम में जाता हुआ देखते हैं जहाँ पर लिन भी उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर वो लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्कूल फीस तुम लोगों ने चुराई है और अगर स्कूल के अंदर किसी को भी ये बात पता चल गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब वो लोग लिन से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, लेकिन लिन के पास तो उन लोगों के खिलाफ कोई भी एविडेंस होता ही नहीं। तब लिन कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि चोरी तुम लोगों ने की है, इसीलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, मुझे क्यों फंसाया। तभी लिन के पास खड़ी हुई लड़की जो कि रेनाओ की फ्रेंड होती है वो उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर रख लेती है। तब वो लोग जल्दी से उसकी पिक्चर बना लेती हैं जिसकी वजह से वो लोग लिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उसके गले में एक रस्सी डाल देते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन लिन भी समझदारी करता है, वो उनकी सारी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद वो सीधा जाता है अपनी टीचर के पास और उन्हें ये सब कुछ सुना देता है। तब उसकी टीचर कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है और वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत नहीं मानती। वो उल्टा उसे ही कहती है क्या पता पहले तुमने उन्हें हिट किया हो और बाद में उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली हो। तब ये बात सुनकर लिन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद टीचर लिन को पूरी क्लास के सामने लेकर जाती है और कहती है कि लिन को पैसे चुराने का बहुत दुख है, इसीलिए हमें इसे एक चांस देना चाहिए। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को लिन से फ्रेंडशिप करने के लिए कहती है और एक असाइनमेंट बनाने के लिए लिन की तीन लड़कों के साथ एक टीम बना देती है। अब लिन जैसे ही अपनी चेयर पर बैठने जा रहा होता है कि तभी पीछे बैठा हुआ लड़का चेयर खींच देता है जिसकी वजह से लिन नीचे गिर जाता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। इसके बाद वो लड़की एक कम्युनिटी असाइनमेंट पूरी करने के लिए एक सबवे में चले जाते हैं जहाँ पर वो और लोगों को खाना खिलाने जाने वाले थे, जहाँ पर जाकर वो लोग लिन के हाथ से खाना छीन लेते हैं और उन भूखे लोगों को खाना खाने के लिए लल जाते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही हिल रहा था। वो लोग उस बूढ़े आदमी के पूरे घर को चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है जिसे चेन से बांधा गया था, जिसे देखकर वो लोग समझते हैं कि शायद इसके अंदर कोई कीमती खजाना होगा। फिर वो लोग उस बूढ़े आदमी से चाबी मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद वो लोग रात के 2 बजे उस संदूक को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर रात के टाइम वो लोग सारा जरूरी सामान इन्हीं टूल्स और टॉर्च लाइट लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उस जगह पर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। वो लोग उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और पहरा देने के लिए वो लिन को दरवाजे पर ही खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग जंजीर को तोड़ने लगते हैं तो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उस संदूक को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब सभी लोग उस संदूक को लेकर चुपचाप वहाँ से वापस आ रहे थे,
लेकिन तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। और जब वो लोग टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही मॉन्स्टर्स बहने नजर आती हैं, जो कि एक आदमी को खा रही थी। टॉर्च की लाइट पड़ने से वो मॉन्स्टर्स गुस्से में आ जाती हैं और उन चारों पर अटैक कर देती हैं। अब ये सब देखकर वो लोग भी बाहर की तरफ भागने लगते हैं और एक मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते करते गाड़ी के आगे आ जाती है, लेकिन वो कार से टकरा कर रोड पर ही गिर जाती है। अब जैसे ही ये चारों उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो वो मॉन्स्टर एक लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन रनाव उस मॉन्स्टर के सर पर एक शॉवल से मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे, इसीलिए वो पुलिस के डर से उस मॉन्स्टर को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले आते हैं। मीनवाइल दूसरी मॉन्स्टर यानी बड़ी मॉन्स्टर अपनी बहन के बिछड़ने पर जोर जोर से रो रही होती है। अब जब वो लोग संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें कुछ पेपर्स और फोटोज मिलती हैं। तब ये देखकर उन लोगों को काफी बुरा फील होता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो बड़े ही अजीब तरीके से उठने लगती है। तब ये देखकर वो चारों फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों से बचते हुए उस मॉन्स्टर का पांव धूप में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका पांव जलने लगता है, इसीलिए वो उड़कर दीवार पर चली जाती है। यहाँ पर उन लोगों को पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर धूप से जल रही है, इसीलिए वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके उस मॉन्स्टर पर डालते हैं, जिससे बचने के लिए वो मॉन्स्टर एक बॉक्स में छुप जाती है और ये लोग अब उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस मॉन्स्टर को बांध देते हैं और रनाव उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। वो मॉन्स्टर काफी चीख रही होती है, जिसे देखकर रनाव बोलता है कि शायद इसे भूख लग रही है, लेकिन क्योंकि अब वो इंसानों को खाती है इसीलिए वो अपना हाथ काटकर थोड़ा सा खून मॉन्स्टर के पास फेंकता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर अब पहले से भी ज्यादा तड़पने लगती है। रनाव की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम लोग अब इस मॉन्स्टर के साथ क्या करोगे, जिस पर रनाव जवाब देता है कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर का दांत उखेड़ने लगते हैं। पहले वो लोग लिन से उसका दांत उखाड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन से ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए अब रनाव खुद उसका दांत निकालने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो उसके मुंह को ड्रिल करके सील भी कर देता है। उधर वो दूसरी मॉन्स्टर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। वो आदमी असल में आर्मी मैन था, जो आर्मी के कपड़े पहनकर हाथ में तलवार लेकर गाना गाने लगता है। तब उसकी आवाज़ सुनकर वो बड़ी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाती है और वो बूढ़ा आदमी, तब वो बूढ़ा आदमी अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को खिड़की से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रनाव और उसकी फ्रेंड उस दूसरी मॉन्स्टर को काफी परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी चिल्ला रही होती है। इसके बाद हम उन स्टूडेंट्स को स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो उस मॉन्स्टर के ब्लड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका खून धूप में जल रहा है। उधर लिन भी अपने रूम में उन मॉन्स्टर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि ये दोनों बहनें 1985 में मिसिंग हो गई थीं। एक और आर्टिकल से लिन को पता चलता है कि उसकी बहन ने एक मैजिक किया था, जिसमें उनके पेरेंट्स तो मारे गए और उन दोनों बहनों की हालत ऐसी हो गई। अब लिन ये सारे इन्फॉर्मेशन जाकर रनाव को दिखाता है और बताता है कि ये लोग भी इंसान हैं, लेकिन रनाव उन रिसर्च पेपर्स को फेंक देता है और वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर पर लाइट डालकर उसे परेशान करते हैं। अब लिन को उस मॉन्स्टर पर तरस आता है, उसे ये देखा नहीं जाता, इसीलिए वो खुद उस लाइट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर हमने इसे क्यों पकड़ा है, इसकी भूख से जान चली जाएगी। तब रनाव लिन से कहता है कि ये तो इंसान खाती है ना, तो अब हम इसका खाना तुम्हें बनाने वाले हैं। तब ये बात सुनकर लिन साइड पर हट जाता है। तब वो लोग फिर से उस मॉन्स्टर को लाइट से टॉर्चर करने लगते हैं। इसके बाद वो लिन की बॉडी से खून निकाल कर उस मॉन्स्टर के फेस पर फेंकते हैं, ताकि वो भूख की वजह से मर ना जाए। अब रात को सभी लोगों के जाने के बाद लिन उस मॉन्स्टर को अपना खून पिलाता है पाइप के जरिए। लिन उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं उन बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। नेक्स्ट डे क्लास में सभी बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर बैठने लगते हैं, लेकिन तभी लिन के पीछे वाला लड़का फिर से उसे गिरा देता है चेयर खींचकर, जिसे देखकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार रनाव अपनी सीट से उठता है और वो उस लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है, उसी लड़के को जिसने लिन को गिराया था। इसके बाद हम देखते हैं कि रनाव ने जिस लड़के को मारा था उसके घर वाले स्कूल आ जाते हैं। यहाँ पर रनाव की टीचर उसे समझाती है और उसके सामने बुद्धा के कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलने लगती है और वो रनाव को भी उसके साथ रिपीट करने के लिए बोलती है, लेकिन रनाव मजाक मजाक में उन मैजिकल वर्ड्स को बोलता है, साथ साथ वो अपनी टीचर को फनी भी कहता है। ये बात सुनकर उसकी टीचर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रनाव को स्लैप करती है। वो उसे कहती है कि बुद्धा की इंसल्ट मत करो, लेकिन रनाव की हंसी अभी भी बंद नहीं हो रही थी और वो अभी भी अपनी टीचर को चिढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उसकी टीचर को और गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा स्लैप करती है। फिर उसकी टीचर दूसरे बच्चे के पेरेंट्स को कहती है कि रनाव के फादर स्कूल नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो जेल में है, और वो उसकी मदर के बारे में भी बताने लगती है कि वो एक अच्छी
औरत नहीं है। अब ये बातें सुनकर रेनाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीचर को घूरने लगता है। फिर वो अपना गुस्सा उस मॉन्स्टर पर निकालता है और उसे बहुत मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही वो खून धूप में जाता है तो वो जलने लगता है, जिससे रेनाओ गौर से देख रहा था। फिर अगले दिन वो अपने टीचर की बोतल में मॉन्स्टर का खून मिला देती है। वो टीचर उस पानी को पी भी लेती है। इसके बाद वो ग्राउंड में जाती है जहाँ पर सभी बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टीचर की हालत खराब होती जा रही है। इसी दौरान लिन रेनाओ से थैंक्स कहता है कि उसने उस लड़के को मारा था जिसने उसे चेयर से नीचे गिराया था। तब रेनाओ लिन से कहते हैं क्योंकि तुझे सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। तब लिन उससे पूछता है कि किस लिए, जिस पर वो जवाब देता है बस फन के लिए। उधर ग्राउंड में टीचर की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, उनकी स्किन जलने लगती है। इसी तरह देखते देखते उनकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। सभी बच्चे उन्हें जलता हुआ देखकर उनकी वीडियोस पिक्चर्स बना रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। फिर रात को जब वो दूसरी मॉन्स्टर एक आदमी को खा रही थी, तभी वो उस टीचर के जलने वाली न्यूज टीवी पर देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसकी बहन भी वही आसपास होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टीचर के मरने पर रेनाओ और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेशन कर रहे थे, जहां पर वो लिन को भी बियर पीने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन साफ इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर उन्होंने मॉन्स्टर का खून मिलाया होगा। इसीलिए लिन बहुत ज्यादा बहाने बनाने लगता है। तब रेनाओ को लिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो लिन से कहता है कि तुम्हें मारने के लिए हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं और हम तुम्हें मॉन्स्टर का खून पिलाकर ही क्यों मारेंगे। फिर उसी रात उनकी क्लास का एक स्टूडेंट शॉप पर सामान लेने जाता है। वो फ्रिज से ड्रिंक निकाल ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी मॉन्स्टर आ जाती है, जो इतना गुस्सा होती है कि वो उसे वहीं पर पटक पटक कर मार डालती है। नेक्स्ट डे पुलिस वहाँ पर आकर उसकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हमें स्कूल बस दिखाई जाती है जिसके अंदर सभी बच्चे बैठे हुए थे, लेकिन तभी बस के सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर बस को रोक देता है। फिर वो मॉन्स्टर बस के अंदर आकर सभी बच्चों को मारने लगती है। उस बस के अंदर रेनाओ की फीमेल फ्रेंड भी होती है, जो कि उस मॉन्स्टर की पिक्चर बनाकर अपलोड कर देती है। फिर उसके हाथ में जब वो मॉन्स्टर अपने सिस्टर का ब्रेसलेट देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो रेनाओ की फ्रेंड को भी मार डालती है। अपने फ्रेंड की मौत की खबर सुनकर रेनाओ बहुत रोता है, इसीलिए वो अंदर जाकर छोटी मॉन्स्टर को बहुत मारता है और उसके सारे दांत उखाड़ देता है। उधर बड़ी मॉन्स्टर को हम देखते हैं, जो कि उनके स्कूल तक पहुंच गई थी, जहां पर वो क्लास के सभी बच्चों को मार डालती है। लेकिन जब वो दो बहनों को एक जगह पर छुपा हुआ देखती है तो वो उन्हें नहीं मारती बल्कि उन्हें जिंदा छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें देखकर शायद उसे अपनी बहन की याद आ गई थी, अपना टाइम याद आ गया था। अब ये सब पता लगने के बाद रेनाओ और उसके फ्रेंड्स एक प्लान बनाते हैं कि वो उस दूसरी मॉन्स्टर को यहाँ तक लेकर आएंगे। इसके बाद वो उन दोनों मॉन्स्टर्स को एक साथ जलाकर मार डालेंगे। फिर वो लोग अपने प्लान के मुताबिक सारी तैयारियां करने लगते हैं। इवन वो बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन लिन शाम के टाइम उस जगह पर जाता है और उस मॉन्स्टर के वहाँ से भागने के लिए वो एक छोटी सी जगह बना देता है। फिर वो वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर उसे बातें करके बाहर आ जाता है। अब शाम को वो लोग उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं, यानी जहाँ से उन्होंने उस संदूक को चुराया था। वहाँ पर वो एक स्पीकर रख देते हैं जिसमें उन्होंने छोटी मॉन्स्टर की आवाज़ रिकॉर्ड की हुई थी। फिर वो वहाँ की सारी जगहों पर एरोस बना देते हैं ताकि बड़ी मॉन्स्टर उन निशानों को फॉलो करके अपनी छोटी बहन तक पहुँच सके। अब जैसे ही रात होती है, सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जगहों पर छुप जाते हैं। वो लोग मैसेजेस के जरिए एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में थे, लेकिन लिन एक लड़के के पास जाकर उसे अपनी जगह एक्सचेंज करने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का ऐसा करने से मना कर देता है। तब लिन उनसे पूछता है कि फी चोरी करने में तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लगाया, जिस पर वो लड़का बोलता है कि बस फन के लिए। अब ये बात सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है और उसके दिमाग में इन लोगों के फेसेस घूमने लगते हैं और वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर बड़ी मॉन्स्टर यानी दूसरी मॉन्स्टर भी आ जाती है, जिससे छोटी मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है कि उसकी बहन अब वहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब जैसे ही वो अपनी बहन की चीख की आवाज़ सुनती है तो लिन अंदर चला जाता है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। और बाहर जो लड़का टंकी में बैठा हुआ था उसका फोन बजने लगता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उस लड़के को मार डालती है। अब रेनाओ और उसके बाकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लिन को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि अब वो लोगों से अपना बदला लेना चाहता था। तभी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उन लोगों को भी मार डालती है और अब सिर्फ लिन बचा हुआ था। अब मॉन्स्टर बाहर से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और लिन जल्दी से भागकर बंधी हुई मॉन्स्टर के पीछे जाकर छुप जाता है और वो उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं उन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए तुम अपनी बहन को कहो कि वो मुझे मत मारे। लेकिन बड़ी मॉन्स्टर वहाँ पर आकर लिन को उठाकर फेंक देती है। अब वो लिन को भी जान से मार डालने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी लिन को याद आता है कि उसने मॉन्स्टर के भागने के लिए एक जगह बनाई थी, लेकिन अब क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी इसीलिए वो उस दीवार पर बनाए हुए रास्ते को खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी
रोशनी अंदर आने लगती है और सन लाइट सीधा बंधी हुई मॉन्स्टर पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगती है। तब उसे जलता हुआ देखकर उसकी बहन उसे बचाने के लिए खुद उसके आगे आ जाती है और फिर वो दोनों मॉन्स्टर्स एक साथ जलकर मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को स्कूल में, जिसे लंच ड्यूटी मिली होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन को अभी भी स्कूल में बहुत सारे बच्चे बुली कर रहे हैं। तभी लिन एक लड़की का सूप उठाकर फेंक देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों जैसी नहीं हो। यहाँ पर रिवील होता है कि लिन ने सभी बच्चों के सूप में मॉन्स्टर का खून मिला दिया है क्योंकि वो बच्चे अभी भी उसे बुली कर रहे थे। इवन उसने खुद भी वो सूप पी लिया था। इसके बाद वो कॉरिडोर में जाने लगता है और जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है उसकी बॉडी जलने लगती है और उसके पीछे हम क्लास के बाकी बच्चों को भी जलता हुआ देख रहे होते हैं। इन सब के जलने के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।